बांदा से आपको बताते हैं दिल दहला देने वाली खबर। जहां जहां एक 60 वर्षीय वृद्ध ने एक 10 वर्षीय मासूम को बनाया अपने हवस का शिकार। जी हां, उत्तर प्रदेश जहां इस समय चारों तरफ बुलडोजर का बोलबाला है। अवैध कब्जाधारियों पर और जो भी इस तरीके के अपराधी हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या ऐसे में ऐसे लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं जो बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं? आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 60 वर्षीय वृद्ध ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया है। बताते चले कि रोजाना बच्ची अपनी माँ के साथ नदी के किनारे सब्जी बाड़ी की रखवाली करने के लिए जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी माँ किसी कार्य से गाँव के बाहर गयी हुई थी। उस दिन बच्ची को अकेले अपने सब्जी बाड़ी की रखवाली करने के लिए जाना पड़ा। तभी आरोपी वृद्ध ने उसे धर दबोचा और अपनी हवस का शिकार बना लिया। जहां इस पूरे घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई तो बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया और आरोपी वृद्ध को गिरफ्तार करके 376 व पास्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया। अब देखना होगा कि कानून ऐसे अपराधियों पर क्या कार्यवाही करती है और ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलती है। थाना अतर्रा अंतर्गत एक 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कायम की गई है। अभियुक्त पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को जेल भेजा। कहाँ से लड़की कहा था और क्या था मामला, कब की घटना थी? ये कल की घटना है और ग्राम पथरा के जो बाड़ी है वहीं पे नदी के बागी नदी के किनारे घटना कार्य की गई। कल दोपहर विनेश कुमार की रिपोर्ट, बांदा, R9 भारत।